हेलो पटल लोग, वेलकम टू डेटा टू इन्फो। बोले तो पावर बीआई की सीरीज में आपका स्वागत है। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये अपन की वेबसाइट है डेटा टू इन्फो लैब्स डॉट कॉम, जाके चेकआउट करने का, यहाँ पे अपन आर्टिकल्स लिखते हैं। आज आते पावर बीआई में। आज अपन देख रहे हैं मैप्स और उसके वेरिएशन। मैप चार्ट्स क्या होता है, उसको सिंबल मैप भी कहते हैं। तो पहले सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है, पढ़ के बताता हूँ। Map charts are graphical representations that display data points associated with specific geographic locations or geographic area. है ना, सिंपल है। जो भी एट्रीब्यूट्स और कॉलम्स और डेटा टाइप्स और डेटा पॉइंट्स जियोग्राफिक लोकेशन से एसोसिएटेड होगी तुम्हारे पास, तुम मैप चार्ट यूज करो उसको शो करने के लिए, तो इंफॉर्मेशन अच्छे से कन्वे होगी। अब कौन कौन सी, मतलब जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन क्या क्या हो सकती है भाई? तुम्हारे पास कॉलम हो सकती है जिसमें कंट्री हो सकती है, सिटी हो सकती है, स्टेट्स हो सकती है, पोस्टल कोड हो सकती है, जिप हो सकती है ना, या पिन कोड हो सकते हैं। इस तरह की चीजें हो सकती है जो जियोग्राफिक लोकेशन के एसोसिएटेड हो, तो तुम मैप्स यूज कर लो। अब डायरेक्टली जल्दी एक मैप देख लेते हैं। इसको मैप को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको थोड़ा ड्रैग कर लेते हैं मस्त से बीच में आ जा बड़ू। हाँ, और इसके फील्ड्स देख लेते हैं जल्दी से। फील्ड्स क्या है, लोकेशन है पहला, फिर लेजेंड है, फिर लैटिट्यूड है, लॉन्जिट्यूड है, और बबल साइज है, उसके बाद टूल टिप भी है, मैं बताता हूँ बाद में क्या है। ये थोड़े अलग फील्ड्स दिखाई दे रहे। अब अपनी पहले डेटा सेट देख लेते हैं। हमारे पास सैंपल सुपर स्टोर का डेटा सेट है, वही उसमें कुछ ऐसे फील्ड्स है, मतलब ऐसे एट्रीब्यूट्स है, ऐसे कॉलम्स है जो जियोग्राफिक लोकेशन शो करते, ठीक है। अब कौन कौन से मैं बताता हूँ, जैसे सिटी हो गया, कंट्री रीजन हो गया, पोस्टल कोड हो गया, है ना, और क्या हो सकता है, रीजन हो गया, रीजन वाला कॉलम हो गया, और क्या हो सकता है भाई, स्टेट हो गया, है ना। ये यूएस स्टेट बता रहा है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का 50 स्टेट्स है, अराउंड 50 स्टेट्स है, तो चाहे तो गिन लेना। तो उसमें क्या होता है कि उसका जो जियोग्राफिक रीजन है उसमें कुछ सिटीज है, उसका ये डेटा है। तो अपन क्या करते हैं, लोकेशन में फटाक से स्टेट्स ले लेते हैं। ये लोकेशन है, स्टेट्स लोकेशन है, तो ये बता, देखो यूनाइटेड स्टेट्स का 50 स्टेट्स बता रहा है, हर एक स्टेट्स पे कुछ बबल दिखाई दे रहे हैं, है ना। ये बबल फिलहाल एक जैसा साइज का है। तो अब क्या करते हैं, अपन बबल साइज पे, ये बबल साइज का एट्रीब्यूट है ना, उस पर सेल्स ले लेते हैं। मैं क्या चाहता हूँ कि इसी मैप चार्ट पे और एक लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन कन्वे हो। मैं चाहता हूँ कि हर एक स्टेट में कितनी सेल हुई है ये भी मुझे पता चले। तो मैं सेल्स वाला कॉलम बबल साइज वाले एट्रीब्यूट पे, आई मीन फील्ड पे ड्रॉप करता हूं। अब देखो ये क्या हो रहा है, कुछ बबल बड़े हो गए, कुछ बबल छोटे हो गए। कैसे, जिस भी स्टेट में सबसे कम सेल्स हुई है उसके बबल छोटे हो गए, और जिस भी स्टेट में सबसे ज्यादा सेल्स हुई है तो उसके बबल्स बड़े हो गए। देखो कैलिफोर्निया के बड़े है, न्यूयॉर्क का थोड़ा अच्छा खासा है ना, वॉशिंगटन का अच्छा खासा है, टेक्सास का अच्छा खासा है। तो इस हिसाब से अब देखते हैं अगले कुछ एट्रीब्यूट, ये आई मीन फील्ड्स। लेजेंड्स भी होते भाई, लेजेंड्स क्या होते भाई, लेजेंड्स तो हमेशा हमेशा की तरह पता है। अगर कैटेगरिकल वैल्यूज है हमारे पास कुछ, तो वो लेजेंड्स में डाल दो, वो तुम्हें अलग कलर कोडिंग में बता देगा इंफॉर्मेशन। जैसे हमारे पास रीजन्स है, रीजन्स है हमारे चार, सेंट्रल है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, तो वो लेजेंड्स में लेके आते। अब देखो कलर कोडिंग होगी भाई अपनी मैप की, है ना, सेंट्रल, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, रीजन्स की कलर कोडिंग होगी, तो इस हिसाब से आप उसको दिखा सकते हो। मेरे पास लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड वाले कॉलम्स नहीं है फिलहाल। अगर तुम्हारे पास हो, तुम्हारे पास डेटा टाइप में हो, तो तुम गूगल से डाउनलोड कर लो और ये एक बार ड्रॉप करके चेकआउट कर सकते हो अपने हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। और एक क्या चीज है, ठीक है, तो यहाँ पर तो यही ठीक है। मैं और एक चीज बताना चाहता हूं कि हो सकता है तुम्हारे डेटा टाइप में कुछ कॉलम्स के नाम ठीक नहीं हो, रॉन्ग हो या इनवैलिड हो। मतलब क्या भाई, मतलब जैसे ये मेरा स्टेट वाला कॉलम है, अब यहाँ पे स्टेट लिखा हुआ है तो पावर बीआई को समझ में आ गया इसमें स्टेट्स होंगे, उसमें डेटा टाइप जो होगा वो बाय डिफॉल्ट, आई मीन वो आइडेंटिफाई कर लिया उसने इंटेलिजेंटली कि ये रीजन है, ये स्टेट्स है यूएसएस के, ठीक है, यूएसए के, और वो स्टेट्स उसने शो कर दिए। क्या होगा अगर ये मेरा कॉलम का नेम डिफरेंट होगा, जैसे यूएसए स्टेट 1 2 3, स्टेट एबीसीडी ऐसा कुछ होगा, स्टेट एक्स वाई जेड ऐसा कुछ आड़ा तेड़ा नाम होगा, और पावर बीआई को उसको समझ में ना आए तो वो एरर शो कर सकता है,
ठीक है, और पावर बीआई को डेटा टाइप समझ में ना आया है वो ठीक से, तो वो एरर शो कर सकता है। तो क्या करने का, मैन्युअली डेटा टाइप सिलेक्ट अपना सिलेक्ट करने का, कैसे, वो कॉलम सिलेक्ट कर लो, ठीक है, तो ये कॉलम पुल्स वाला रिबन एक्टिवेट हो जाएगा। उसमें देखना ये डेटा कैटेगरी है ना प्रॉपर्टीज में ड्रॉप डाउन, उसको क्लिक करने का, इसमें से एप्रोप्रिएट डेटा टाइप चूज करने का, जैसे कंट्री हो गया, सिटी हो गया, प्लेस हो गया, जो भी है। अब ये मेरा स्टेट्स है तो ये स्टेट्स और प्रोविंस सिलेक्ट कर लेने का, है ना। तो इस तरह से अपन सिलेक्ट करके ये काम चला सकते हैं, ठीक है। जैसे सिलेक्ट करोगे ना तो स्टेट के आगे एक सिंबल आ जाएगा नया, वो क्या सिंबल होगा, वो अर्थ वाला सिंबल होगा, वो कर लेना एक बार ट्राई, मैं अभी नहीं कर रहा हूं, तो कर लेना, ठीक है। अब क्या देखते हैं भाई, अब देखते हैं अपन फॉर्मेटिंग इसकी, ये इंपॉर्टेंट है ना। फॉर्मेटिंग बड़ी सिंपल है, ये देखो मैप सेटिंग, मैप सेटिंग में क्या है भाई, ये स्टाइल्स है, स्टाइल्स देख लेते हैं, कौन सा सिलेक्टेड है, रोड सिलेक्टेड है, रोड्स, तुम बोले कि रोड्स तो दिखाई नहीं दे रहे, मैं दिखाता हूँ, तो मैप पे क्लिक करो और जूम आउट करो, जूम इन करो, तुम्हें यूनाइटेड स्टेट्स के रोड्स दिखाई दे, ये रोड्स का मैप है भाई, तो इसलिए रोड दिखाई दे रहे हैं। तुम एरियल व्यू देख सकते हो इस तरह से, है ना, तुम उसको डार्क मोड में देख सकते हो, तो ये बहुत गंदा दिख रहा है, वैसे ये रोड्स नहीं रहने देते हैं, है ना। तो इस तरह से तुम उसको कंट्रोल भी कर सकते हो फॉर्मेटिंग करके। कंट्रोल्स में देखते क्या क्या है, कंट्रोल्स में जूम का ऑप्शन है, ठीक है, ऑटो जूम ऑफ, ऑटो जूम ऑन, ठीक है, और एक जूम की बटन, तुमने हमेशा देखा होगा मैप्स में प्लस और माइनस का एक बटन होता है, तुम मैप पे देखोगे चार्ट पे तो प्लस और माइनस का बटन होता है, अगर तुमको वो इनेबल करना है तो यहाँ से कर सकते हो। ये देखो अभी प्लस और माइनस तुम यहाँ से जूम इन और जूम आउट कर सकते हो, है ना। ये लैसो बटन भी ट्राई कर लेना, ये भी बड़ी काम की चीज है। एक यहाँ पे वो रेक्टेंगल तुम सिलेक्ट कर सकते हो, वही है वो लैसो और कुछ नहीं, ठीक है। और क्या बताना है, मैप तो हो गया। लेजेंड्स देखो भाई, लेजेंड्स तुम्हारे दिखाई दे रहे हैं ये ऊपर, तुम उसका पोजीशन चेंज कर सकते हो, जहां पे दिखाना है तुमको वहां पे लेजेंड्स दिखा दो। फिर आते बबल्स, तुमको बबल्स की साइज छोटी बड़ी करनी है, तुम वो भी कर सकते हो। ये बहुत ही गंदा दिख रहा है, थोड़ा अपने साइज में लेके आते इसको, ठीक है। हाँ ठीक है। और उसके बाद आते कलर्स, तुम कलर्स जो चाहो वो मन चाह कलर उसको दे सकते हो। कैटेगरी लेबल्स देखो वो ऑफ है फिलहाल, तो वो बहुत ही गंदा दिखेगा, क्योंकि बहुत सारे अपने पास डेटा पॉइंट्स है, तो कैटेगरी लेबल्स थोड़ा संभाल के मारने का, है ना। गंदा नहीं दिखना चाहिए चार्ट हमेशा, क्योंकि तुम अपनी इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहे हो, तो वो थोड़ा ऐसा खुला खुला दिखना चाहिए, है ना। तो बाकी जनरल में भी जाके तुम इफेक्ट्स दे सकते हो, तुम थोड़ा हाथ साफ कर लो उस पर, ठीक है। तो ये हो गया एक मैप, सिंपल सिंबल मैप। तो उसके बाजू में है फील्ड मैप। ये फील्ड मैप क्या होता है भाई, एक काम करते यही कॉलम सिलेक्टेड रहने देते हैं और फील्ड मैप पे क्लिक करते हैं। अब ये देखो ये फील्ड मैप आ गया। क्या डिफरेंट है सिंबल मैप में और फील्ड मैप में, फील्ड मैप में तुम्हें बबल्स नहीं दिखाई देगा, एक न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दिखाई देगा। देखो वो बबल्स वाला कॉलम है ना, बबल साइज वाला कॉलम, तो वो चला गया, वो फील्ड चली गई यहां से। हमारे पास सिर्फ लोकेशन है और लेजेंड्स है, ठीक है। तो वही है, लोकेशन के हिसाब से लेजेंड्स तुमने डाल दिए, लेजेंड्स में रीजन डाल दिया है। अब वो तुम्हें चार रीजन बता रहा है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो भी है, सेंट्रल जो भी है ना। तो देखो यहाँ पे तुम टूल टिप पे तुम देख सकते हो तीन इंफॉर्मेशन दिखा रहा है, स्टेट, रीजन और सेल्स। इस सेल्स कहां से दिखा रहा है, क्योंकि टूल टिप में मैंने सेल्स डाला, अगर मैं सेल्स नहीं डालता तो ये टूल टिप में देखो, ये ब्लैक कलर की टूल टिप आता है ब्लैक बॉक्स, उसमें सिर्फ दो ही दिखा रहा है इंफॉर्मेशन। अगर और इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है तो उस टूल टिप में तुम ऐड कर सकते हो, जैसे सेल्स हो गया, मैंने ऐड कर दिया। अब देखो तुम किसी भी स्टेट पे चले जाओ, वो टूल टिप में सेल्स भी दिखा रहा है स्टेट और रीजन के साथ, सिंपल है, ठीक है। इसका भी कुछ फॉर्मेटिंग कुछ एक जैसे होगा, कुछ ज्यादा कुछ या नहीं है। तो ये रहा मैप, ठीक है। तो अगली वीडियो में अपन कुछ और देखते हैं, तो फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और हमेशा की तरह गुगु गागा चेक आउट दिस वन।